रायबरेली केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने ट्विटर के पूर्व सीईओ जैक डार्सी के आरोपों को मिथ्या बताया है। उन्होंने कहा कि किसान आंदोलन एक साल तक चला और शांतिपूर्वक निस्तारित हुआ है। उन्होंने कहा कि अगर आरोपों में सच्चाई होती तो आंदोलन जल्दी समाप्त हो जाता। नरेंद्र तोमर ने कहा, जैक डार्सी के सभी आरोप मिथ्या हैं। दरअसल ट्विटर के पूर्व सीईओ जैक डार्सी ने आरोप लगाया है कि किसान आंदोलन के दौरान ट्विटर को शटडाउन किए जाने की धमकी मिली थी। उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों के अकाउंट भी सस्पेंड करने का दबाव था जो आंदोलन के पक्षधर थे। कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर 2 दिवसीय दौरे पर रायबरेली पहुंचे हैं। पचरावा में लाभार्थियों के सम्मेलन को संबोधित करने के बाद यहाँ निजी होटल में डीबी भारती समाचार के पत्रकारों से रूबरू हुए। इस दौरान उन्होंने सरकार की उपलब्धियों को गिनाते हुए मोदी सरकार की जमकर तारीफ की। जी, लोकसभा के प्रभारी अरविंद तिवारी जी, अन्य पदाधिकारीगण और उपस्थित सभी पत्रकार महानुभाव, जैसे देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर।